2024 चुनाव में अभी 2 साल का समय है, लेकिन पीएम पद के लिए होड़ मची हुई है। किस किस का नाम लें, जितनी पार्टियां उतने नाम सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार तक नाम सामने आ चुके हैं। ऐसे में एक बात बड़े ही जोर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं देश की सियासत में नीतीश कुमार में कितना है दम। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पास पहले से ही प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरा नरेंद्र मोदी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जितनी पार्टियां उतने उम्मीदवार निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अभी से इस बात की भविष्यवाणी करना कि पीएम मोदी के विरोध में कौन खड़ा होगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर विपक्ष की तरफ से कौन कौन वो चेहरा है जो कि पीएम पद की उम्मीदवार के लिए सामने आने की कोशिश कर रहा है, या फिर कहें 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार को बिहार में इन दिनों पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। यहां तक कि जदयू के कई बड़े नेता भी इस बात में हामी भर चुके हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। लेकिन पूरे देश में अलग अलग टुकड़ों में बटे विपक्ष को एक साथ करेगा कौन। ऐसे में आइए आज हम जानेंगे नीतीश कुमार की राह में कौन कौन कांटे बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने अभी से ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि कांग्रेस के सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी यह यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने वाली है, जो कि 5 महीने तक चलेगी। इस दौरान वे देश में महंगाई और बेरोजगारी पर जोर देंगे। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस बात पर भी जोर देंगे कि जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, वहां पर भी वे अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी अपनी पार्टी की स्थिति को देख लेंगे कि आगे के चुनाव मैदान में क्या स्थितियां होने वाली है या नहीं। हालांकि वर्तमान में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपना नेता मान रहे हैं और पीएम मटेरियल के रूप में भी उन्हें देख रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगर पीएम बनना है तो राहुल गांधी को इस रेस में पीछे करना होगा, जो कि फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने अभी तक अपना पत्ता साफ नहीं किया है कि वे क्या करेंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी की प्रखर विरोधी में से एक मानी जाती है। वर्तमान की सियासत में बंगाल के एक मंत्री का जेल जाना ममता की छवि को थोड़ा धूमिल करता है, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव के जुबान पर ममता बनर्जी का ही नाम सामने आया है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा संकट इस बात का भी है कि वे एक साथ इन सभी नेताओं को मनाएंगे कैसे। बिहार में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था तो उस समय अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को बड़े ही जोशीले अंदाज में बधाई दिया था, लेकिन जब बात पीएम उम्मीदवार की हुई तो उन्होंने ठंड फ्रंट बनाने की बात कह दी, जिसमें उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम उस लिस्ट में शामिल कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि उस लिस्ट में नीतीश कुमार का तो नाम ही नहीं था। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 80 और बंगाल के 42 लोकसभा सीट वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक नीतीश कुमार को अपना चेहरा भी नहीं माना है। नीतीश कुमार के सामने ये एक बड़ी मुश्किल और एक तरह से कह लें कि संकट की स्थिति है। बिहार की सियासत में एक नाम बहुत ही तेजी से लिया जा रहा है, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि बिहार की सियासत में हुए उठापटक में यह व्यक्ति तत्कालीन कारण के रूप में जाना जाता है। आप भी उस नाम को समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह के बारे में। आरसीपी सिंह जब से जदयू से अलग हुए, वे जदयू का मुखर होकर हमलावर है। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार 7 जन्म तक पीएम नहीं बन सकते हैं। उन्होंने अपने तर्क में यह बताया कि देश में किसी भी दल को सत्ता में आने के लिए 272 के अंक को पार करना होगा। नीतीश जी अपनी सीटें लाएंगे कहां से। यह भी कहा कि 90 का दशक नहीं है कि चंद्रशेखर की तरह सारे विपक्ष की सहमति नीतीश कुमार पर बनी जाए। अगर हम देश की बात कर लें तो वर्तमान में विपक्ष में
बिखराव दिख रहा है और कोई भी नेता इस एक मत पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। इन सभी को मनाना और अपने आप को आगे करना एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि इतनी तरह की बाधाओं के बाद क्या नीतीश कुमार को इस बार चांस नहीं मिल रहा है? तो इसके लिए कई तरह के जवाब आ रहे हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जी नहीं, उन्हें मौका मिल सकता है। अभी लोकसभा चुनाव में करीब 2 साल का समय है और विपक्षी पार्टियां तैयारी में लगी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता के साथ साथ बिहार महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के रूप में उन्हें देख रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार खुद को पीएम चेहरा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो नीतीश कुमार के बाद सकारात्मक नजरिया जो है वो देखने को मिल सकता है। बता दें कि नीतीश कुमार 2010 के विधानसभा चुनाव, 2013-2015 में एनडीए से अलग होकर पीएम मोदी का विरोध कर चुके हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष को इस बात का भान है कि नीतीश कुमार अगर केंद्र की यानी कि विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो उन्हें फायदा जरूर होगा, लेकिन अभी तक किसी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। पिछले लोकसभा चुनाव के डाटा को अगर हम देखें तो कांग्रेस, राजद और जदयू मिलकर अगर चुनाव लड़ती है तो बिहार में इसे 45% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि विपक्ष में किस तरह की सहमति बन पाती है और क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं। जाते जाते आखिर में आपसे एक सवाल कि आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं?